जब से छोटे नवाब सैफ अली खान ने अपने आबाई घर पटौती महल की मिल्कियत दोबारा हासिल की है तब से ही उनके खानदान की तारीफ पर रोशनी डालने के लिए इस महल के हिस्से को म्यूजियम में तब्दील करने के मंसूबे की बास गश सुनाई दी जा रही थी ताहम अब अदाकार ने इन कयास आरों को मुस्तरद करते हुए कहा है की उनका ये घर उनके दिल में बहुत खास मुकाम रखता है अदाकार ने बताया की उनके वालद को यहाँ दफन किया गया है और उनकी ख़्वाहिश है की इसे इसके रिवायती तरीके ऐसी बहाल किया जाए पटौती महल की तारीखी अहमियत के बारे में बात करते हुए अदाकार सैफ अली खान ने कहा कि विरासत के लिहाज से मकान वक्त के साथ मुख्तलिफ लोगों की मिलकियत रहा है मेरे वाल नवाब पैदा हुए वो नवाब थे अदाकार का कहना था कि उनके वालद ने अपनी शराब पर जिंदगी गुजारी और वो सबसे हैरत अंगेज आदमी थे सैफ अली खान ने बताया कि वक्त बदल गया और उन्होंने घर को एक होटल को किराए आरोप देने का फैसला किया मुझे याद है की मेरी दादी ने मुझे कहा की ऐसा कभी न करना इसकी बहुत पुरानी तारीख है और ये वो चीज़ है जिस पर मुझे फख्र है उन्होंने मजीद कहा की मेरे दादा दादी वहाँ दफन है है। मेरे वालिद वहीं दफन हैं। ये मेरा खानदानी घर है वहाँ बहुत सारे पुराने मकानात हैं। हम उन्हें दरबार हॉल कहते हैं लेकिन मुझे ये नाम पुराना लगता है उनका कहना था कि मैं ऐसी नवाबी हॉल के बाद लॉन्ग रूम कहना चाहता हूँ ये घर पटौदी के साथ में नवाब और मेरे वालिद ने बनवाया था उन्होंने कहा की मैं यहाँ उनकी क्रिकेट की चीजें और बल्ले लगाना चाहता हूँ और मैं वाकई में इस घर को उनके जज्बे के मुताबिक बहाल करना चाहता हूँ ये मेरा ख्वाब था और ये तकरीबन हो चुका है कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू में उनकी बहन सोहाली खान ने बताया था की उनकी वालिदा शर्मिला टिगौर घर के अकाउंट की निगरानी करती है और इस बात को यकीनी बनाती है की सब ठीक है मेरी माँ अपनी बुक लेकर बैठती है वो रोजाना के अखराजा और महाना अखराजात का हिसाब रखती है मिसाल के तौर पर हम पटौदी महल को वाइट वॉश करते हैं इसे पेंट नहीं किया गया क्योंकि वो ज्यादा महंगा है उन्होंने कहा था कि इस महल के लिए हमने तवील लर्से से कोई नई चीज नहीं खरीदी है ये इस जगह का फने तामीर है जो इसे पुरकशिश बनाता है इसकी चीजें नहीं ख्याल रहे के पटौदी पैलेस को इब्राहिम कोठी भी कहा कहा जाता है जिसकी तमीर उन्नीस सौ केवल दिहाई में हरियाणा के जिले गोरा गाँव में की गयी थी पटौदी खानदान का ये शानदार महल नवाब इफ्तार अली खान ने बनवाया था जिनके बाद ये पैरिस उनके बेटे मंसूर अली खान को मिला और फिर इसकी मिल्कियत अदाकार सैफ अली खान को हासिल हो गयी है